बचपन से ही दोनों आंखों के जो आपकी निगाह थी वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि आपको दोनों आंखों को चेंज करवाना पड़ेगा। आंखों के ऊपर जो स्किन होती साइड में वो भी निकलनी शुरू हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? ब्रज जी, मेरा नाम काजल है। कहाँ के रहने वाले आप? ब्रज जी ऐसे गुरदासपुर के रहने वाले। और बचपन से ही दोनों आंखों के जो आपकी निगाह थी वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। हाँ जी ब्रज जी, मैंने 3 नंबर का चश्मा लगा सीगा। और क्या क्या होता था उसके कारण आपको? ब्रज जी मेरी अखा धुंधलियां गई ब्रज जी, फिर मेरी एकदम मेरी पिछो भी निगाह खराब होती गई ब्रज जी। मैं बड़े डॉक्टर भी चेंज किए, मैं जानती रही सी ब्रज जी मैं बड़े मतलब कि डॉक्टर को जाना, चेंज कर करके डॉक्टर को जाना। फिर एक बार डॉक्टर बोल दे कि अपनी अखा चेंज करवा लो, जिदे तो असि परेशान हो गए, अपनी अखा भी तुमाइया सी। ऐसा क्यों बोलते थे डॉक्टर आपको? ब्रज जी मेरी पिछली निगाह बंद सी, जो आंखों के पीछे की रोशनी थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। हाँ जी। और डॉक्टर कितने अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए आप? ब्रज जी मैं 5-6 डॉक्टरों को, सिर्फ अखा वाले बड़े डॉक्टरों को गई थी। और लगातार जो आपकी निगाह थी वो लगातार कम होती जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो आंखों के जो पीछे की जो रोशनी है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हाँ जी ब्रज जी। और दोनों आंखों से वाइट जाले जैसे आपके निकलने लगे। हाँ जी ब्रज जी, जाले मैं इतने निकालती सी कि मैं अपनी पूरी उंगल को ही रोल कर लेती सी। डॉक्टर ने बोला कि आपको दोनों आंखों को चेंज करवाना पड़ेगा। हाँ जी ब्रज जी, ब्रज जी बोलते हैं डॉक्टर की फिर चेंज करा लो, मैं बार बार जानती सी ड्रॉप पवानी सी ब्रज जी। और आपकी जो आंखों के ऊपर जो स्किन होती साइड में वो भी निकलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी ब्रज जी, मेरी स्किन नेक तक निकलती सी ब्रज जी, मेरे मतलब की बड़ी बार बार तक आ जाती, जिदा नेकलेस पाया ब्रज जी इदा मेरी स्किन होती सी। कितने साल आपने इलाज करवाया अपना? ब्रज जी मैं बचपन तो मतलब की इलाज ही करवाती रही सी। अभी उम्र कितनी आपकी? अभी ब्रज जी 20 साल। कितनी उम्र आपकी? ब्रज जी 20 साल। और तब से ही आप बचपन से लेकर तब अब तक आप इलाज ही करवाते आ रहे थे? हाँ जी ब्रज जी, मैं पिछले महीने भी जाके डॉक्टर को दिखाया, बोलते ठीक है तू ते चश्मा लगाओ। ब्रज जी मैं चश्मा लगा के भी नहीं मैंने कोई फर्क सीगा। और इतने सालों से इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं ब्रज जी। फिर जब परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की 2 दिसंबर को, और उस प्रोफेसी को जब इन्होंने सुना, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, आप एक सिस्टर हैं। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं ये एक सिस्टर है, आपके ये पर्सनालिटी जो है ये सिस्टर है, आपकी आंखों के किनारों पे रोग है और ये मेडिसिन से नहीं गया, ये किसी चीज से नहीं गया, आंखें धोने से नहीं गया, ये सिस्टम करने से नहीं गया। पवित्र आत्मा आपको आपकी स्किन को आपकी आंखों को नया कर रहा है, वो रिन्यू कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपको उस समय? ब्रज जी मैं एकदम फ्री होगी ब्रज जी, मैंने परमेश्वर ने 2 नवी आंखें दी थी, मैं 2 बारी डिगी, परमेश्वर ने मैंने 2 आंखें दी थी, नवी स्किन दी थी, सिर दे रोग तो चल गया ही दी थी। तारीफ करें हालेलुया, जादू के जोर से तालियों के साथ। और आप ये बताइए कि अभी उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अभी कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? जी आज 14 दिन हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हूं। आइए हम उस मीटिंग में उस हिस्से को देखते हैं जब ये बहन प्रोफेसी के बाद पुलपिट के ऊपर आगे आए थे। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की थी कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं एक सिस्टर है, जो सिस्टर आपकी आंखों के किनारों पर प्रॉब्लम शुरू होती है, मेडिसिंस भी खाई, आंखें धोने से भी नहीं गई, इन्होंने आंखें भी डॉक्टर से धुलवाई थी जो मेडिकल। ओके ले क्या ले जदों बोले दा पेद खोले दा, जदों बोले दा पेद खोले दा, पागरू जदों बोले पागरू जदों बोले ओ जदों बोले दा।
और जो आंखों की स्किन आपकी परत जो बनकर उतरती थी, झड़नी शुरू हो चुकी थी, वो भी बंद हो चुकी है और अभी आपकी आंखें बिल्कुल नई हो चुकी है। हां जी ब्रज जी, और मेरी आंखें नई हो गई है, नई स्किन हो गई है ब्रज जी, थैंक यू जीसस। और देखने में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना चश्मे के आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं। हां जी ब्रज जी, मैं स्टिचिंग भी बिना चश्मे तो कर लेती हूं। जो आंखों के पीछे की रोशनी डॉक्टर ने बोला था वो चली गई है, आंखें चेंज करवानी पड़ेंगी। हाँ अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल हील हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ब्रज जी, मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं इतना नया नया ही देख रही ब्रज जी, जितना पेंटिंग नई हुई हुंदी है। थैंक यू जीसस। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बिग टेस्टिमनी के लिए, बड़ी गवाही के लिए सब जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।